दोस्तों पहले आप ये गाना देखिए। इस गाने का नाम है ग्रेस, यानी कि भगवान शिव के द्वारा की गई एक जापानीज के ऊपर कृपा। दोस्तों भगवान शिव की भक्ति का एक गाना बनाया है जापान के एक बहुत ही फेमस सिंगर ने, जिनका नाम है फूजी केज या फिर फूजी काजे। इस गाने में फूजी केज भगवान शिव की कृपा का जापानीज में वर्णन करता है और भगवान शिव के दर्शन के लिए प्रार्थना करता है, जिसके लिए फूजी हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों पर यात्रा करता है, जहाँ पर इनको भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और जब फूजी को यहाँ पर पहली बार भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, तो इस वक्त फूजी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद फूजी भोलेनाथ की प्रतिमा को छूता है और एक अलग ही आयाम में पहुँच जाता है, जहाँ पर फूजी खुशी और प्यार के साथ खुद से मिलता है। इसके बाद गाना दोबारा से शुरू होता है और फूजी फिर से भगवान शिव की असीम कृपा का वर्णन करता है। दोस्तों ये गाना यूट्यूब पर रिलीज किया गया था 9 अक्टूबर 2022 को, यानी कि आज से लगभग 2 महीने पहले ही भगवान शिव का ये जापानीज गाना यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, जिस पर दुनिया भर से 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, यानी कि 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, जिसमें इस फेमस जापानीज सिंगर ने भोलेनाथ की भक्ति के माध्यम से प्राउडली सनातन धर्म को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही मोस्ट फेमस विदेशी लोगों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने हिंदू भगवानों के बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग्स गाए हुए हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको आज से पहले पता हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमारी लिस्ट में नाम आता है ब्रह्माज सॉन्ग्स बाय विलो स्मिथ का। संस्कृत भाषा में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित ये सॉन्ग गाया है हॉलीवुड की मोस्ट फेमस सिंगर एंड एक्ट्रेस विलो स्मिथ ने, जो हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की बेटी भी है। विलो स्मिथ ने आज से लगभग 2 साल पहले हिंदू देवी देवताओं की एक एल्बम इंटरनेट के सबसे पॉपुलर म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की थी, जिन पर लाखों करोड़ों व्यूज आ चुके हैं। इस एल्बम में सॉन्ग्स थे कृष्णा केशव, गजेंद्रा, राइज और ब्रह्माज संस्कृत सॉन्ग्स, जो विलो ने जानवी हैरिसन के साथ कोलैबोरेशन करके गाए थे। क्योंकि दोस्तों विलो स्मिथ माता सरस्वती देवी की सच्ची भक्त हैं, इसलिए विलो ने अपने हाथ पर माता सरस्वती देवी का टैटू भी छपवाया हुआ है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो के बाद विलो स्मिथ के द्वारा गाए गए हिंदू देवी देवताओं के इन सॉन्ग्स को जरूर सुनना, जिनको सुनकर आपको काफी ज्यादा शांति महसूस होगी। इसके बाद दोस्तों नाम आता है ओम नमः शिवाय बाय कृष्णा दास। दोस्तों भगवान शंकर को समर्पित ये सॉन्ग गाया है एक फेमस अमेरिकन वोकालिस्ट और हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स के फेमस सिंगर कृष्णा दास ने, जिनका अमेरिकन नाम है जेफरी केगल, पर इन्होंने अपना नाम जेफरी से बदलकर कृष्णा दास रख लिया है, जिसका अर्थ होता है भगवान कृष्ण का दास। दोस्तों आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि कृष्णा दास सन 1996 से लेकर 2022 तक हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स पर 17 एल्बम्स रिलीज कर चुके हैं, जिसके कारण इनको अमेरिका में साल 2013 में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भगवान शिव का ये सॉन्ग इन्होंने 2017 में रिलीज किया था, जिस पर दुनिया भर से 3 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, यानी कि 34 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और 33,000 से भी ज्यादा कमेंट्स। इस सॉन्ग में आपको हजारों अमेरिकन भगवान शिव की भक्ति में तन मन से लीन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों शायद ही आपको पता हो कि कृष्णा दास अभी तक हजारों लाखों अमेरिकन को अपने हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स के माध्यम से सनातन धर्म में लीन कर चुके हैं। अगर आपको ये पता करना है कि कृष्णा दास का ओम नमः शिवाय सॉन्ग विदेशी लोगों को भगवान शिव के प्रति कैसे समर्पित कर देता है, तो इस बात को जानने के लिए आप इनका ये सॉन्ग केवल एक बार तो जरूर सुनना, जिसके बाद आपको ये साफ साफ पता चल जाएगा कि कृष्णा दास ने भगवान शिव का ये सॉन्ग कितनी गहराइयों से गाया हुआ है, जिसको सुनकर हर कोई झूम उठता है। इसके बाद दोस्तों हमारी लिस्ट में नाम आता है रॉक ऑन हनुमान बाय MC योगी का।
दोस्तों भगवान हनुमान पर ये इंग्लिश सॉन्ग गाया है अमेरिका के एक बहुत ही फेमस रैपर एंड सिंगर MC योगी ने। वैसे तो दोस्तों इनका अमेरिकन नाम निकोलस क्रिश्चियन है, पर इन्होंने अपनी कला और अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के प्रति समर्पित कर दिया है, जिसके कारण इन्होंने अपना नाम निकोलस क्रिश्चियन से MC योगी रख लिया है। और ये अब हिंदू देवी देवताओं पर सैकड़ों इंग्लिश सॉन्ग्स बना चुके हैं। इसलिए ही इनके विकिपीडिया पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अपने सॉन्ग्स के माध्यम से हिंदू फिलोसफी को प्रमोट करते हैं। और दोस्तों MC योगी ने चैतन्य महाप्रभु के शिष्य निताय गौरंग पर एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग भी बनाया है, जो वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसमें MC योगी हजारों अमेरिकन के सामने होली के त्योहार पर निताय गौरंग सॉन्ग गाते हुए दिखाई देते हैं और प्राउडली सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये पता करना है कि अमेरिका का ये यंग रैपर हिंदू देवी देवताओं पर सॉन्ग्स बनाकर सनातन धर्म को क्यों प्रमोट करता है, तो इस बात को जानने के लिए आपको इनका वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर चेक करना चाहिए, जहाँ पर MC योगी ने महान हनुमान भक्त नीम करोली बाबा की बहुत सारी फोटोज अपलोड की हुई हैं। पर अगर दोस्तों आपको नीम करोली बाबा के बारे में नहीं पता है, तो आप अपना कीमती समय निकाल कर गूगल पर एक बार नीम करोली बाबा के बारे में जरूर सर्च करना, तो तब आप MC योगी की सनातन धर्म तक की स्टोरी को और अच्छे से समझ पाओगे। तो दोस्तों दिल से सैल्यूट है अमेरिका के इस यंग रैपर को, जो अपनी रैप की कला के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन धर्म को प्रमोट कर रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।